हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि मोटो E13 फ़ोन में आप लोग ऐप लॉक कैसे कर सकते हो। अगर आपके पास एक मोटो E13 फ़ोन है और इस फ़ोन में जो है आप लोगों को ऐप लॉक करना है गाइस, अगर आपके फ़ोन में बहुत सारे एप्लीकेशन है और किसी किसी एप्लीकेशन को जो है आप लोगों को लॉक करके रखना है, मतलब जब भी एप्लीकेशन को ऑन करेगा कोई तो यहाँ पर लॉक शो हो जाएगा, तो कैसे आप लोग अपने फ़ोन में जो है ऐप लॉक कर सकते हो गाइस, तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊँगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ऐप लॉक करने के लिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है गाइस, उसको आप लोगों को डाउनलोड करना होगा कैलकुलेटर का। तो मैं प्ले स्टोर में दिखा देता हूँ कौन सा वाला एप्लीकेशन। प्ले स्टोर को ओपन कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना है गाइस कैलकुलेटर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो। देख सकते कैलकुलेटर साइड सर्च करते ही यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हाइड यू का, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड सेट करना है, तो मैंने यहाँ पर पहले से ही पासवर्ड सेट किया हुआ है, तो इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर ऑन हो गया है गाइस। तो आप लोगों को जो है पासवर्ड सेट कर लेना। अगर आप लोगों ने पासवर्ड सेट किया हुआ वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके देख लीजिए, उसमें मैंने पासवर्ड सेट कैसे करते वो मैंने बता दिया है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर से इसको पासवर्ड डालते ही ओपन हो जाएगा। ओपन होते ही कुछ इस तरीके का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो ऐप लॉक का ऑप्शन होगा गाइस, तो इस ऐप लॉक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो भी एप्लीकेशन आप लोगों को लॉक करना है उस एप्लीकेशन को सिंपली यहाँ पर से क्लिक करके ऑन कर देना है। जब आप लोग यहाँ पर से उस एप्लीकेशन को क्लिक करके इसको लॉक कर दोगे तभी आपके फ़ोन में जो है एप्लीकेशन लॉक हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने मोटो E13 फ़ोन में ऐप लॉक कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।